हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड बोगनविलिया प्लांट के ऊपर है। मैंने बोगनविलिया प्लांट में कुछ दिनों पहले एक खाद का यूज़ किया था फ्रेंड, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और ये बोगनविलिया प्लांट हो या किसी भी प्लांट हो, उस खाद का यूज़ आप आसानी से अपने पौधों में कर सकते हो, जिससे हमारे पौधों में इस तरीके से फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हो, ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है फ्रेंड। इसमें कुछ हद तक थोड़ी बहुत फ्लावरिंग थी, लेकिन उस खाद के डालने के बाद मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल रही है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। आप देख सकते हो, ढेरों ब्रांच भी इसके नए नए यहाँ पर आ रहे हैं। और ये खाद जो होता है, बहुत आसानी से आप अपने पौधों में इसको डाल सकते हो और इससे लगातार हमारे पौधों में फ्लावरिंग होती रहती है फ्रेंड। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पौधों की मिट्टी में खाद नहीं होता है, मैं सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। तो इस यानी कि इस बोगनविलिया प्लांट में मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ नहीं किया था फ्रेंड, सिर्फ उस एक खाद को डाला था, जिसके डालने पर मुझे इतनी अच्छी पौधे में ग्रोथ भी मिली है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने अभी दिखाने के लिए सिर्फ इसमें डाला हुआ है, ये अंडे के छिलके हैं और मैंने एक प्लास्टिक में थोड़ा सा किचन वेस्ट यहाँ पे रखा था। रखने के बाद क्या हुआ ना कि ये तो मैंने अभी ला के डाला है फ्रेंड, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ दिनों पहले यहाँ पे मैंने किचन से जो निकलता है यानी कि छिलके वगैरह, मैंने उन छिलकों को और अंडे के छिलकों को एक प्लास्टिक में रखा हुआ था फ्रेंड। वो कुछ दिन हो गए थे और उसको मैंने इस पॉट की मिट्टी के ऊपर रख दिया। आप देख सकते हो अंडे के छिलके यहाँ पे थोड़े बहुत हैं। तो रखने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, लेकिन ये अंडे के छिलके यानी सही से डीकम्पोस्ट नहीं हुए हैं अभी, लेकिन वो जो किचन वेस्ट था वो एकदम से मेरे पौधों में करीब 10 दिन पहले मैंने डाला होगा, 10 दिन के बाद वो धीरे धीरे मेरे पौधों में जैसे जैसे उसका असर हुआ है, होने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें ग्रोथ हो रही है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से खाद बना के उसको तैयार करने के बाद ही हमारे पौधे में दे सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखाई है आपको कि मैंने प्लास्टिक में रखा और उसके बाद कुछ दिन हो गया था वो, उसके बाद मैंने यहाँ पर ला के डाल के उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और उसके बाद उसकी आप देख सकते हो पौधे की यानी कि ग्रोथ किस हद तक हुई है। और यहाँ पर फिर मैंने कल ला के डाला है, सेम ऐसे ही मैंने ला के डाला था फ्रेंड, और अभी यहाँ पे भी मैं वही काम करूँगी। जैसे कि इसके ऊपर, इन छिलकों के ऊपर प्याज का छिलका है, इसमें खीरे का छिलका है, ये सब छिलकों के ऊपर मैं इस तरीके से मिट्टी डाल दूँगी और ये जो अंडे के छिलके हैं उनको इस तरीके से चूर करके मेरे पौधों की मिट्टी में मिला दूंगी। अगर आप इस तरीके से अंडे के छिलकों का यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, आप अंडे के छिलके को नहीं डालो, क्योंकि अगर आप अंडा यूज़ नहीं करते हो घर में तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और बाकी जो छिलके किचन से निकलते हैं फ्रेंड, उसका यूज़ हमारे पौधों में इस तरीके से होता है और इस तरीके से हमारे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है सिर्फ इस खाद को डालने पर। तो बोगनविलिया हो या फिर इस तरीके से हिबिस्कस हो, इस खाद का बहुत अच्छा यानी असर होता है हमारे पौधों में और पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ में आता है। तो इस खाद का ज़रूर यूज़ करें। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में।